हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एंड नॉनटेक स्टडी। मेरा नाम है राहुल डंडोतिया और आज मैं आपको बताने वाला हूँ बिल्डिंग मटेरियल के ब्रिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ओनली ब्रिक्स के, ठीक है, जो कि इसमें ऐसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो नाउ टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एंड उससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेना फॉर एंड बेल प्रेस भी कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ए फर्स्ट क्लास ब्रिक व्हेन इमर्ज इन कोल्ड वाटर फॉर 24 आवर्स शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन, यानी कि एक कोई ब्रिक है, ईंट है, उसको पानी में 24 आवर के लिए डुबो देते हैं तो वो देन किस, तो पानी कितने परसेंट से ज़्यादा नहीं एब्जॉर्ब करती। तो ऑब्वियसली इसका आंसर आप बताओ, देन विल आई विल, सो इसका है बी, 20% से ज़्यादा नहीं। ओके, देखो जो फर्स्ट क्लास ब्रेक है वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। एंड जो सेकंड क्लास ब्रेक है, याद रखना सेकंड क्लास ब्रेक है वो 22.5% से, एंड जो थर्ड क्लास ब्रेक है वो 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, फॉर थर्ड क्लास ब्रेक के लिए 25, फर्स्ट क्लास ब्रेक के लिए 20, सेकंड क्लास ब्रेक के लिए 22.5। तो ये आपको नॉर्मली 3 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, सो ये इजीली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए फर्स्ट क्लास ब्रेक शुड नॉट बी लेस देन, जो फर्स्ट क्लास ब्रेक है, ठीक है, जो किसके क्रशिंग स्ट्रेंथ, जो फर्स्ट क्लास ब्रेक की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो किससे कम नहीं है, होना चाहिए। तो देन आप बता सकते हैं इसका, वो है 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और सेकंड क्लास ब्रेक है तो सेकंड क्लास ब्रेक का रहेगा 7.5, कितना 7.5, ये अपना सेकंड क्लास ब्रेकर रहेगा, ये फर्स्ट क्लास का ब्रेकर रहेगा, एंड जो थर्ड क्लास ब्रेकर वो उसका रहेगा ए। तो इसमें फर्स्ट क्लास ब्रेक पूछा है ना, तो देन आंसर इज सी। अब पूछते हैं कि जो मेन फंक्शन है ऑफ एलुमिना का ब्रेक वर्क में, ब्रेक अर्थ में, उसका जो मेन फंक्शन है एलुमिना का वो क्या है, ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ एलुमिना इन ब्रेक अर्थ इज, तो ये आपको पता होना चाहिए, वो है मेक द ब्रेक इसका आंसर बेसिकली ए है, तो इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, यानी कि यार ना जो एलुमिना का जो मेन फंक्शन ये है कि जो कौन सा भी शेप वो बना सकता है। सपोज आप मोल्ड कर रहे हो ब्रिक को, आप मोल्ड कर रहे हो ब्रिक के शेप में बना रहे हो, तो देन उसमें एलुमिना जरूरी है, एलुमिना ही ये यूज करता है कि इसका जो शेप बनता है वो कैसे बनना चाहिए, वो एलुमिना के जरिए ही बनता है, ठीक है, और ज़्यादा मिलाने से उसमें क्या क्रैक हो जाता है एलुमिना को ज़्यादा मिलाने से। तो ये कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूंट टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी टू अर्थ सो दैट इट कैन बी ईजिली मोल्डेड, ठीक है, ये ईजिली मोल्डेड हो जाता है इससे, तो आंसर इज ए। नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ एलुमिना इन अ गुड ब्रिक अर्थ बिटवीन, जो एलुमिना का परसेंट है और ब्रेक में कितना परसेंट रहता है, तो आपको पता होना चाहिए वो रहता है 20 से 30%। याद रखना ये नॉर्मली पूछा जाता है, सपोज सिलिका पूछ लिया, सिलिका कितना परसेंट रहता है ब्रेक में, तो आपको पता होना चाहिए वो है 50 टू 60%, कितना 50 टू 60%। अब लाइम पूछ लिया, लाइम रहता है 5% ज़्यादा नहीं रहता, और आयरन ऑक्साइड और पूछ सकते हैं, और ऑक्साइड्स ऑफ आयरन वो भी 5 से 6% रहता है। तो ये 4 जो इम्पोर्टेंट आपके लिए वो नॉर्मली पूछा जा सकता है, ठीक है, और एक और कह सकते हैं मैग्नीशिया, मैग्नीशिया तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी रहता है, ऐसे 1% कह सकते हैं। सो ये कंप्लीट, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक्सेस ऑफ द एलुमिना इन ब्रिक अर्थ मेक्स द ब्रिक, यानी कि जो एलुमिना का जो ब्रिक अर्थ में एलुमिना को बढ़ा देते हैं, एक्सेस कर देते हैं, एंड उसमें ब्रेक क्या होता है, मिक्स क्या बनता है, देन उसका अब इजीली पता है, ज़्यादा एलुमिनियम मिलाने से क्रैक और वॉप ऑन ड्राइंग, यानी कि जो सूखने पर क्रैक हो सकती है, ठीक है, वॉप हो सकती है, मुड़ सकती है, इसलिए ज़्यादा एलुमिना नहीं मिलाया जाता, इसलिए 20 से 30% उसमें डिजॉल्व किया जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ द मिक्सिंग क्ले वाटर एंड द अदर इन्ग्रीडियंट टू मेक ब्रिक इज नोन एज, सिंपल है ये जो प्रोसेस है कि यानी कि प्रिपरेशन ऑफ क्ले की प्रोसेसिंग है, यानी कि जब ब्रिक की जो मैन्युफैक्चर होता है तो फर्स्ट आपको पता है प्रिपरेशन ऑफ द क्ले होना चाहिए, फिर मोल्डिंग होना चाहिए, फिर ड्राइंग होना चाहिए, एंड उसके आफ्टर दिस बर्निंग, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें क्ले की प्रिपरेशन है, यानी कि द प्रोसेस ऑफ द मिक्सिंग क्ले, सपोज क्ले को मिक्स कर रहे हैं उसमें वाटर एंड अदर इन्ग्रीडियंट, और अदर इन्ग्रीडियंट लाइक
लाइम वगैरह एंड सिलिका सब इंग्रेडिएंट टू मेक द ब्रिक इज नोन है, उस चीज़ को क्या बोला जाता है? सिंपल है, नीडिंग। नीडिंग देखो मैंने हिंदी में लिखा है गूंदना, गूंदते हैं, नीडिंग करते हैं। देन और याद रखना है जो प्रिपरेशन ऑफ द ब्रिक होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें अनसॉइलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं। अनसॉइलिंग क्या होता है, यानी कि मिट्टी को खोदते हैं, यानी कि जो टॉप टॉप लेयर रहती है सॉइल की, आई थिंक 20 सेंटीमीटर डेप्थ तक इसको खोदा जाता है, और फिर इसके बाद आउट एंड थ्रो अवे, इट्स टेकन आउट एंड थ्रो अवे, ओके। और फिर इसके बाद डिगिंग करते हैं, खोदते हैं, क्ले इज देन डग आउट फ्रॉम द ग्राउंड सिम। सो उसके बाद फिर क्लीनिंग करते हैं क्ले की, ये प्रोसेस रहती है कि क्लीनिंग इसलिए करते हैं बिकॉज उसमें जो स्टोन रहते हैं, पेबल्स रहते हैं, वेजिटेबल मैटर रहते हैं, सब रिमूव हो जाता है। एंड उसके बाद वेदरिंग करते हैं, फिर ब्लेंडिंग करते हैं, उसके बाद टेम्परिंग करते हैं, ठीक है, टेम्परिंग, फिर नूडिंग, नीडिंग वगैरह, सारा ये प्रोसेस रहती है जो प्रिपरेशन ऑफ द ब्रेक की रहती है। उसके बाद फिर मोल्डिंग होती है। मोल्डिंग आपको पता है, मोल्डिंग में जो टू टाइप के रहते हैं बेसिकली, एक तो हैंड मोल्डिंग होती है, मशीन मोल्डेड होती है, और बेसिकली ज़्यादातर यूज़ हैंड मोल्डिंग ही यूज़ किया जाता है। अब ये नॉर्मली सबको पता है, नंबर ऑफ़ द ब्रिक रिक्वायर्ड फॉर वन क्यूबिक मीटर में जो ब्रिक की रिक्वायरमेंट है वो कितनी ब्रिक रहती है, वो ऑब्वियसली 500 ब्रिक रहती है। तो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। द फ्रॉग ऑफ द ब्रिक, ब्रिक का फ्रॉग इन ब्रिक मेसनरी में जनरली कैप्ट ऑन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए फ्रॉग होता है। अब फ्रॉग आपको नॉर्मली पता होना चाहिए फ्रॉग होता क्या है, ठीक है। तो ये फ्रॉग आपको पता होना चाहिए, फ्रॉग ऑब्वियसली एक सपोज एक कोई ब्रेक है, ये ब्रेक है, ठीक है। तो उसमें जो ये साइज नहीं, आई थिंक स्टेप में सही आपको पता चलेगा, तो ब्रेक का जो अंदर इसका शेप रहता है वही चीज़ को फ्रॉग बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रॉग ऑब्वियसली टॉप फिश को कह सकते हैं, ईजिली टॉप फिश को कह सकते हैं फ्रॉग। तो देन आंसर इज बी। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ द फ्रॉग इन ब्रिक, यानी ब्रिक में जो फ्रॉग का इंपॉर्टेंट पर्पज क्या है, इसका मेन पर्पज क्या है। सिंपल है इसमें, आई थिंक रिड्यूस द वेट ऑफ ब्रिक, नहीं, फ्रॉम की जॉइंट बिटवीन द ब्रिक और मोटर, ओके। इसका आंसर है सी। यार ना जो ब्रिक और मोटर होता है, सपोज आप कोई ब्रिक मेसनरी मेसनरी हो रहा है ब्रिक का, ठीक है, एक वॉल बन रही है, उसमें जो ब्रिक और जो मोटर का जो जॉइंट होता है, आपको पता है उसमें जो जो फ्रॉग रहता है उसमें भर देते हैं मोटर को, तो देन वो जॉइंट करता है, ओके, फॉर्म की जॉइंट बिटवीन द ब्रिक एंड मोटर। सो इजीली विस आंसर सी। अ किंग क्लोजर इज रिलेटेड, किंग क्लोजर किसके रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए क्वीन पोस्ट ट्रस या डोर विंडो या ब्रिक मेसनरी, ऑब्वियसली ये ब्रिक मेसनरी में आपको पता है किंग क्लोजर होता है, क्वीन क्लोजर होता है, काफ़ी होते हैं, मिल्टेड क्लोजर होता है, बैट होता है। तो किंग क्लोजर सपोज ये ब्रेक है, ठीक है, बताता हूँ, किंग क्लोजर सपोज ये ब्रेक है, यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ से कट कर देते हैं, दैट्स ऑब्वियस चीज़, जो पार्ट बचा रहता है उस चीज़ को बोलते हैं किंग क्लोजर, ठीक है। ऐसे ही सपोज क्वीन क्लोजर है, तो क्वीन क्लोजर ऑब्वियसली हाफ रहता है, यानी कि यहाँ से कट कर देते हैं, दैट्स वो रहता है क्वीन क्लोजर, ठीक है। एंड जो हाफ बैट होता है, एक हाफ बैट क्लोजर भी होता है, उसमें ऑब्वियसली आप नाम से पता चल रहा है, सपोज ये कोई फुल ब्रेक है, ठीक है, तो यहाँ से कट कर दिए, दैट्स हाफ बैट हो गया वो। और थ्री क्वार्टर बैट में और ज़्यादा थोड़ा थर्ड बोलते नहीं, वन थर्ड, तो उसका वन थर्ड सपोज ये हाफ हो गया, इसका थर्ड यहाँ से कट कर देते हैं। तो इस टाइप में ये सारे जो कि क्लोजर होते हैं जो आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। तो ये सारे जितने भी ब्रेक के रिलेटेड क्वेश्चन है, जो ईजिली इसमें से बाहर नहीं जाएगा, ईजिली सारे क्वेश्चन बनते हैं और भी हैं, सो दैट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर, कमेंट्स और लाइक कर सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।